आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा आप जो चाइना को उपभोक्ता बाजार में माल बेचने का लाइसेंस दिया है, सबसे पहले आप उस लाइसेंस को निरस्त करो और चाइना का माल भारत में अपने आप बिकना बंद हो जाएगा, करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा, तब जाकर के हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मंत्री जी, सवाल ये है कि जो आम जनता है, सीमा पर जो सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं, आम जनता का भी एक कर्तव्य बनता है कि जो चीन का सामान है या चीन की जो उपनिवेशवाद है उसको रोकना कैसे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सामान बेचकर पैसा कमाता है, उसी पैसे से हम पर हमला करता है, तो एक अगर हम बात करें तो जनता से क्या अपील करेंगे, किस रूप में चीन को हम सीमा पे जाके नहीं लड़ सकते लेकिन जनता का कुछ तो कर्तव्य बनता है। देखिए, जनता का कर्तव्य है, विपक्ष की भी, सत्ता पक्ष के विपक्ष का भी कर्तव्य है कि सरकार को अवगत कराना। हम बल्ब बार बार बदलने से बढ़िया है कि हम ट्रांसफार्मर बदल दें। आज चीन का सामान भारत में जो मार्केट में बिक रहा है, जनता की चाहत है, देश के साथ जो चीन ने हमला किया, जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, पूरे देश में सर्वे करा लीजिए, सबकी चाहत है कि चीन का बना हुआ माल हम इस्तेमाल न करें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब उसको आप एक तरफ सरकार लाइसेंस दे दिया है, वो बेचने के लिए वो अथराइज है, वो माल मार्केट में रहेगा, हम जब तक उसका माल मार्केट में रहेगा तब तक हमारे लोग मजबूरन महंगाई की मार झेलते हुए झेलने की वजह से वो उसका सस्ता माल मिल रहा है, इस नाते वो खरीद के इस्तेमाल करते हैं। हम बात जनता की कर लें तो क्या हमें सस्ते सामान चाहिए या हमें अपना सम्मान चाहिए? सम्मान बड़ा होता है, सामान तो आता जाता रहता है। नहीं, देखिए, जनता, एक गरीब आदमी जब 100 रुपया कमा के आता है तो अपना पूरे परिवार का मैनेजमेंट देखने में लगता है। वही जो चीन का सस्ता मिल रहा है, जिस दिन ये लाइसेंस खत्म कर दें उसी दिन वही माल चीन से भी सस्ता मिलेगा हमारे यहाँ। आपका राष्ट्रवाद क्या है? आर्थिक राष्ट्रवाद भारत को अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए? जनता को अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए? जनता का कोई कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है? सरकार, सेना का ही कर्तव्य बनता है कि आम जनता, जो 137 करोड़ की जनता है, उसका कोई राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है कि केवल उसको लाभ हानि देखना है? तमाम नौजवान जिस दिन से सुना कि चीन हमारे जवानों को शहीद कर दिया, उसी दिन से हमारे नौजवान मन बना लिए कि अगर ये सरकार नहीं चाहती तो हमको छूट दे दे, हम चाइना से लड़कर के मुकाबला कर लेंगे। आपको कह दिया जाए तो जाएंगे सीमा? बिल्कुल, आज हमको छूट दे दिया जाए तो हम ही नहीं, करोड़ों नौजवान सीमा पर तैयार हैं जाने के लिए, करोड़ों नौजवान।